हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर मैटप्लॉटलिब के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ मैटप्लॉटलिब फॉर पाइचार्म। कि किस तरीके से हम पाइचार्म में मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे मेजर चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है कि यू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन टू इंस्टॉल दिस पैकेज। ओके, सो जस्ट ओपन दिस पाइचार्म। ओके, और यहां पर हम क्रिएट करेंगे एक नया प्रोजेक्ट। ओके, इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर द करेंट पैकेजेस ऑल्सो। तो यहां पर मैं करंट पैकेज को क्लोज करता हूं, आई विल गो फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और यहां पर मैंने इसका नाम दिया मैट डेमो मैट प्लॉट। ओके, एंड जस्ट गो टू दिस क्रिएट। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में हैं, सो नो नीड टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मैट प्लॉट लिप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सो दैट स्टेप्स आर सेम एक्चुअली। ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस न्यू प्रोजेक्ट, जस्ट गो टू दिस फाइल। फाइल में हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स के बाद आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट में। ओके, और प्रोजेक्ट में आपको जाना है पाइथन इंटरप्रेटेटर में। पाइथन इंटरप्रेटेटर के बाद यहां पर आप देखिए, यू कैन फाइंड लिस्ट ऑफ द पैकेजेस, बट देयर इज नो मैटप्लॉटलिब पैकेज अवेलेबल इन दिस लिस्ट। दैट मींस अभी हम मैटप्लॉटलिब हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉल नहीं है। सो जस्ट गो टू दिस प्लस साइन। ओके, एंड आफ्टर दिस जस्ट सर्च मैटप्लॉटलिब। ओके, जस्ट मैटप्लॉटलिब। तो यहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा मैटप्लॉटलिब का, इसको सिलेक्ट करिए। एंड यहां नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल पैकेजेस, है ना, सी दिस वन, हियर यू विल फाइंड दिस ऑप्शन इंस्टॉल पैकेजेस। ओके, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल पैकेज ऑप्शन एंड इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स टू इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब फॉर पाइचार्म। और एक बार अगर ये इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुली अगर ये इंस्टॉल हो जाता है, तो यहां पर यू विल फाइंड अ मैसेज मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके, और फिर हम एक छोटी सी डेमो एप्लीकेशन बना के ये चेक कर लेंगे कि मैटप्लॉटलिब प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है, राइट। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन सी दिस वन, पैकेज मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल सक्सेसफुली। ओके, और अब इसके बाद जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन। ओके, और यहां पर आप लिस्ट में देखिए, यू विल फाइंड मैटप्लॉटलिब, सी दिस वन, ये मैटप्लॉटलिब लिस्ट में आ गया। दिस इज व्हाट द वर्जन 3.7.1। तो यदि लिस्ट में प्रॉपर आ चुका है, इसका मतलब है कि बॉस पाइचार्म हमारा मैटप्लॉटलिब के लिए रेडी है। दैट मींस मैटप्लॉटलिब जो मॉड्यूल है दैट इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो यहां पर हम सिंपल एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं, तो जस्ट चेक इट, तो जस्ट टेस्ट मैटप्लॉट। ओके, एंड हियर यू हैव टू राइट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, ठीक है। और यदि ये इंपोर्ट स्टेटमेंट इफ देयर इज नो एरर, क्योंकि आप देखिए कोई भी अगर आप पैकेज इंस्टॉल करेंगे, इफ यू फाइंड रेड लाइन विद दैट पैकेज, दैट मींस दिस इज नॉट इंस्टॉल्ड। लेकिन यहां पर कोई एरर नहीं आ रही है, इट मींस कि मैटप्लॉटलिब जो है वो पाइचार्म के लिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू वर्क विद दिस मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना है। एक बार शॉर्ट में पूरी स्टेप फटाफट हम देख लेते हैं। फाइल में आपको जाना है, सेटिंग्स में आपको जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको जाना है पाइथन आपका जो प्रोजेक्ट है, देन गो टू पाइथन इंटरप्रेटेटर, क्लिक ऑन दिस प्लस, सिलेक्ट मैटप्लॉटलिब, ओके, कंप्लीटली मैटप्लॉटलिब, ओके, क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल पैकेज, और देन आफ्टर यहां लिस्ट में चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड दिस मैटप्लॉटलिब, ओके, एंड क्लिक ऑन ओके, एंड देन जस्ट राइट हियर इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, जस्ट ओपन अ डेमो एप्लीकेशन। तो यदि मैटप्लॉटलिब को प्रॉपरली इंस्टॉल कर चुके हैं, तो अब हम इसके आगे किस तरीके से मैटप्लॉटलिब को यूज करेंगे डेटा विजुलाइजेशन के लिए। टाइप्स ऑफ चार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब में, तो बने रहिए इस कोर्स में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में मैटप्लॉटलिब के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।